हेलो फ्रेंड, दिस अजीत फ्रॉम कैटलिस्ट क्लास। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू प्रिडिक्ट द पर्सन डेट ऑफ बर्थ। ओके, किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन की भविष्यवाणी कैसे करेंगे। ठीक है, जस्ट हम किसी भी बंदे को बोलेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ आप अपने माइंड में रखो। ठीक है, हम कुछ उसको बोलेंगे कैलकुलेशन करने के लिए और हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ इतना है। ठीक है, तो जस्ट फ्यू सेकेंड में हम लोग उस बंदे का डेट ऑफ बर्थ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो सब ट्रिक्स। तो उसके लिए हमें फ्यू स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सिंपल से स्टेप्स है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपके मेमोरी में ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, चलो। तो सपोज किसी को मैंने बोला कि आप, जैसे मैंने आपको बोला कि आप अपने माइंड में अपना डेट ऑफ बर्थ याद कीजिए। ठीक है, सो आपने बोला सपोज कि 26 ऑफ, ठीक है, जून है, राइट। अपने माइंड में ये 26 ऑफ जून जस्ट रख लिया। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँगा कि सी, देखो लॉजिक एक होता है कि जनवरी को 1 लेंगे, फेब को 2 लेंगे। ठीक है, 2 नंबर से कंसिडर करेंगे, ऐसे ही मार्च को 3, दिसंबर को 12। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जून है। ठीक है, तो जून कितना हो जाएगा, जून हो जाएगा 6, राइट। हमने बोला जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च को 3, अब ऐसे ही दिसंबर 12, ये अपना जो है नंबर हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को। ठीक है, अब उस बंदे ने अपने माइंड में रख लिया 26 जून को उसका डेट ऑफ बर्थ था। अब मैं बोलूँगा कि मंथ नंबर लिखो। ठीक है, पहला स्टेप है कि आप मंथ नंबर लिख लो। ठीक है, सो मंथ नंबर में क्या बोलेगा, जून। सो जून का क्या है, हमें 6 हो गया। ठीक है, सो जस्ट मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, राइट। सो क्या करेगा, ठीक है, मंथ, ठीक है, 6 हो गया। अब मैं उसको सेकेंड स्टेप बोलूँगा, ठीक है, ऐड 5 टू इट, या डबल डबल, फर्स्ट डबल द आंसर, वॉट एवर आंसर इज देयर इन हिज माइंड नाउ, जस्ट डबल डबल द नंबर जो भी माइंड में है। तो 6 × 2 = 12 हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है, मैं उसको बोलूँगा कि ऐड 5 टू इट, तीसरा नंबर, तीसरा स्टेप क्या बोलूँगा कि 5 ऐड कर दो उसमें। ठीक है, एंड 5 टू जो रिजल्ट है उसके पास इस समय। ठीक है, नंबर अब क्या हो गया, 12 + 5 हो गया, कितना हो गया, 17। नाउ फोर्थ स्टेप में मैं क्या बोलूँगा कि मल्टीप्लाई इट बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 17 × 5, ठीक है, 85, राइट, 85 आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या मैं बोलूँगा, ठीक है, कि पुट ए 0 बिहाइंड द आंसर, 0 के पीछे, अरे आंसर जो आया है आपका 85, उसके पीछे एक 0 लगा दो। इसका मतलब यहाँ पे कहीं 0 लगा दो 5 के बाद। ठीक है, सो पुट 0, फिफ्थ स्टेप, बिहाइंड आंसर। ठीक है, तो ये अपना आ गया 850, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने माइंड में लिखा था 26 ऑफ जून, ठीक है, राइट। सो हमने तो पहले जून को कंसिडर किया, मैंने बोला उसको कि पहले जून को कंसिडर किया, तो जून को 6 ले लिया। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि जो नंबर है जिस दिन पैदा हुए थे 26 को, उसको ऐड कर दो इसमें। ठीक है, तो 850 + 26, उसको बोला, उसने ऐड कर दिया बंदे ने, आ गया 876। अब मैं उसको बोलूँगा कि जो नंबर है 876, ठीक है, इसमें तुम इधर 50 से, ये जो नंबर है इसमें 50 से सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, और इस वाले नंबर में, ठीक है,
टू से सब्सट्रैक्ट कर दो इस वाले में, ठीक है। अभी सेपरेट सेपरेट सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये 26, ठीक है, और ये आ जाएगा 6। सो मैं उसको बोलूँगा कि आपको ये जो नंबर, इसको कंसिडर करेंगे हम लोग मंथ, राइट, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे मंथ, इसको कंसिडर करेंगे डे, डेट, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 6 मंथ था तुम्हारा, 26 जो है डेट था, ठीक है। वो बोलेगा यस वाह, यही नंबर मैंने माइंड में लिया था, ठीक है, जब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। तो सिंपल सा इसका ट्रिक क्या है, मैं एक बार एक्सप्लेन करूँगा इसको, ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन करेंगे और हाउ क्विकली वी कैन फाइंड आउट हम लोग देखते हैं। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि जस्ट जनवरी को 1 कंसिडर करो, फरवरी को 2, मार्च को 3, अप्रैल को 4, मई को 5, ठीक है, जून को 6, अप टू ऐसे ही आप नवंबर को 11 और दिसंबर को 12 कंसिडर करो, ठीक है। ये तो पहला स्टेप है। अब मैं बोलूँगा कि जो बंदा है, मैं जिससे बोल रहा हूँ कि आप अपने माइंड में अपना डेट ऑफ बर्थ जस्ट याद रखो, ठीक है, उसने बोला कि 26 ऑफ जून, ठीक है। तो जून को क्या क्या नंबर आएगा, जून 6 आ जाता है नंबर, तो हमने 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ मैं दूसरा स्टेप, ये तो स्टेप हो गया, ठीक है। बी स्टेप क्या बोलता है कि उस नंबर का डबल कर दो, जो आपने आपके माइंड में नंबर आया, आंसर है 6 अभी, उसका जस्ट डबल कर दो, तो ये अपना आ गया 12, 6 into 2। अब सी स्टेप क्या बोलता है कि ऐड 5 कर दो उसमें, जो भी नंबर आपके पास आया 12, उसमें 5 ऐड कर दो, तो 12 + 5 = 17, ठीक है। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या अपना बोलता है कि मल्टीप्लाई 5, जो भी आंसर आपके पास आया है उसमें मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तो उसने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 85 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है इसको कि 0 जो है, जो भी आंसर है उसके 0 पीछे लगा दो, ठीक है, यूनिट पे 0 लगा दो, तो 85 से 850 हो गया, यहाँ यूनिट पे 0 लगा दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 80 जो आंसर आया 850, उसमें जो है आप ऐड कर दो अपना जो डेट, 26 डेट को पैदा हुए थे, जिस भी डेट को पैदा हुए थे उसको ऐड कर दो, तब ये आ गया 876। अब 876 को ऐसे लिख लो, ठीक है, और जो यूनिट और ना 10th प्लेस की डिजिट है उसमें से 50 हटा दो, घटा दो, और जो 100 की प्लेस की जगह है उसमें, ठीक है, 2 घटा दो, अब आपका आ गया 6 and 26। तो इसका मतलब 26 and 6 इज द मंथ, और ये वाला जो होगा ये डेट डेट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग किसी भी ना बंदे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये मैजिक ट्रिक है। सो ये कुछ ही स्टेप आप जस्ट याद करोगे, या दो चार ना फ्रेंड से आप जस्ट पूछोगे, आपको ये सभी स्टेप याद हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसे। सो मैंने आपसे पूछा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, आपने बोला मेरे को कि 10th ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने बोला 10th ऑफ मार्च है, ठीक है। अब मेरा पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मंथ नंबर क्या है, ठीक है, मंथ नंबर क्या है, तो मार्च क्या हो जाएगा, जनवरी 1 है, फरवरी 2 है, मार्च 3 हो गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, डबल द नंबर, ठीक है, डबल द नंबर, सो 3 into 2, 6 हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, थर्ड स्टेप क्या होता है, ऐड 5 to 8, राइट, ऐड 5 to it, या ऐड 5 टू द योर आंसर, सो 6 इज द आंसर प्लस 5, सो आ गया 11, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई इट बाई 5, मल्टीप्लाई इट बाई 5, मैंने बोलूँगा कि मल्टीप्लाई 5 से कर दो अपने आंसर में, तो 11 into 5 = 55। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि पुट ए 0 बिहाइंड द आंसर, सो पुट, ठीक है, 0 बिहाइंड आंसर, सो आंसर क्या है, 55 है, उसके पीछे एक 0 लगा दो, 550 हो गया, राइट।
नाउ जो आपका डेट है, जिस डेट पे पैदा हुए, 10th डेट में, 10th ऑफ मार्च हो, उसको ऐड कर दो, सिक्स स्टेप बोलता है, ठीक है। सो सिक्स स्टेप बोलता है कि एट द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, राइट, एट डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, किस डेट पे पैदा हुए थे, 10th, तो 550 प्लस 10 हो गया, 560 आ गया। अब 560 को ऐसे लिख लो, ठीक है, इसमें से 50 सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 2 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, कितना आ गया आंसर, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 3। सो इस वाले नंबर को हम लोगों ने बोला कि इसको मंथ कंसिडर करेंगे, ठीक है, और ये वाला जो नंबर आता है अपना, इसको डे डे डेट कंसिडर करेंगे, राइट। सो मैं बोलूँगा कि जो नंबर आया फर्स्ट नंबर को ना मंथ कंसिडर करो, जो सेकेंड नंबर आपके पास आया यहाँ पे इसको कंसिडर करो डेट। सो मैं बोलूँगा कि आप अपने आंसर से मिलाओ, आप आपका यही डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट किया था, तो बोलोगे येस 10th ऑफ मार्च मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। सो ऐसे जो है हम लोग क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, बहुत ही मैजिक ना ट्रिक है। सो आप अपने फ्रेंड पे अप्लाई करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।